सॉल्वेंट मतलब क्या समझते हो, क्या यूज है सॉल्वेंट का किसी भी रिएक्शन में? सॉल्वेंट का क्या यूज होता है, क्या बोलोगे तुम? क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट? और कोई अच्छा रीजन कोई बता सकता है? मीडियम प्रोवाइड करता है, यही उसका टिपिकल रीजन है। हम लोग उसका कंसंट्रेशन वगैरह तो पहले से डिसाइड करके रखते हैं, बट सॉल्वेंट क्या करता है, एक टाइप का मीडियम प्रोवाइड करता है। अगर सॉल्यूशन में मीडियम नहीं है, मान लो ए को बी से रिएक्शन करना है, मैं बोलूँ ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, तो ये उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे जितना इनको अगर मैं मिक्स कर दूँ किसी लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड जब मिक्स करोगे तो ये क्या हो जाना, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और रिएक्शन तेजी से होगा। तो ये लिक्विड इनको क्या कर रहा है, एक टाइप का मीडियम दे रहा है। तुमने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा होगा कि ए प्लस बी है, इसमें मैं वाटर ले लेता हूँ और ये रिएक्शन होती है, ए बी बनता है प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर का कोई यूज़ था नहीं तो मैंने यहाँ पे क्यों डाला? सिर्फ इसको इसलिए डालते हैं कि ये सॉल्यूशन को क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो सॉल्वेंट होते हैं, इनका काम खाली मीडियम प्रोवाइड नहीं करना होता है, ये मीडियम तो देते ही हैं, बट कभी कभी क्या करते हैं मालूम है? अब वाटर ही है जैसे, ये क्या करता है, H प्लस और OH माइनस में डिवाइड हो जाता है। और ये OH माइनस कैसे काम करता है फिर, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो तुम हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि सॉल्वेंट सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करता है, कभी कभी ये क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगा। और इसका OH माइनस वाला जो पार्ट है वो कैसे काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, और H प्लस वाला जो पार्ट है वो कैसे काम करता है, एज अ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर इनकी ज़रूरत आती है तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। तो सॉल्वेंट बेसिकली मतलब मेजरली अगर मैं बोलूँ तो एक मीडियम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर इनका पार्टिसिपेशन हुआ तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोफाइल भी है इसके पास, बट ये रिएक्शन तुमको बहुत जगह देखने को मिलेगी। OH वाली जो सॉल्वेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे पास नॉन पोलार सॉल्वेंट, समझते हो क्या होते हैं नॉन पोलार, और एक होते हैं पोलार। ठीक है, हम लोग देखो पीछे हैलोजिनेशन कर रहे थे तो कहीं कहीं पे मैं मीडियम के लिए CCl4 को यूज कर रहा था, याद है? रिएक्शन के ऊपर मैं लिख देता था CCl4, और मैंने तुमको वहां पे बताया था कि ये CCl4 खाली एक क्या करता है, मीडियम का काम करता है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो चारों Cl क्या करेंगे, अपने साइड बॉन्ड को खींचेंगे, और अगर चारों साइड खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलार सॉल्वेंट। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कोई पोलार सॉल्वेंट है, इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या? नहीं होगा। अगर H और OH में भी बॉन्ड है तो मेरे को बताओ ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? वाटर एक टाइप का सॉल्वेंट है, OH की तरफ शिफ्ट होंगे, तो हमको डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी होता तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसको बोल देते जीरो, बट अब तो खाली एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है डाइपोल मोमेंट, तो ऐसे कंडीशन में ठीक है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलार सॉल्वेंट। क्लियर है, पोलार और नॉन पोलार सॉल्वेंट क्या होंगे? ठीक है, डाइपोल मोमेंट जीरो है तो नॉन पोलार, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो पोलार। अगेन ये जो पोलार होता है ना, इसमें दो टाइप मिलेंगे तुमको, एक होगा पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर अप्रोटिक या ए प्रोटिक बोल लो, जैसा जिस हिसाब का मीडियम रहेगा तुम्हारा, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग है।
कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, समझा? तो ये क्लासिफिकेशन है तुम्हारा सॉल्वेंट का। तो एक एक करके देखते हैं नॉन पोलार क्या है, मतलब तो समझ ही गया। जैसे अगर मैं बोलूँ नॉन पोलार में ज़्यादा करके यूज़ में आने वाले CCl4 है, एग्जाम्पल्स अगर लूँ, जैसे बेंजीन है, ये भी एक टाइप का नॉन पोलार सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 जिसको तुम बोलते हो, यहाँ से सल्फर खींच रहा है, यहाँ से सल्फर खींच रहा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0। पोलार प्रोटिक और पोलार अप्रोटिक क्या होता है, पहले तो पोलार क्लियर रखो, फिर उसके बाद पोलार प्रोटिक और पोलार अप्रोटिक में बताता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास वाटर का सॉल्वेंट है, ठीक है, सपोज करो वाटर का सॉल्वेंट है, राइट, और इसमें तुमने NaCl को डाल दिया, तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस का कैटायन बनाएगा और Cl माइनस का एनायन बनाएगा, राइट है। और हमको पता है वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, जिस पे पार्शियली नेगेटिव होगा और इन दोनों पे पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो ये जो कैटायन है, इसके साइड कौन अट्रैक्शन शो करता है, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे इसको ऑक्सीजन की तरफ से घेर लेंगे क्या? सीधी सी बात है। और कितने मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं, याद है? ये एक टाइप का मोमेंट है, भी है, स्टेट्स ऑफ मैटर में तुमको मैंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ाया हुआ है, 12th वाले लोग को याद है किसी को, इसको कौन सा डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ये आयन और ये डाइपोल, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल मोमेंट, याद आया कुछ? इसी को आयन डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। इस क्लोरीन के साथ क्या होगा मालूम है, इसके साइड ऑक्सीजन अट्रैक्शन शो करेगा क्या, ये भी तो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके साइड क्या करते हैं, ऐसे हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है, तो ये भी ऐसे बेसिकली सराउंडेड हो जाएगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? तो तुमको NaCl पानी में जाने के बाद ऐसे कुछ दिखने लगता है, ऐसा उसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, सॉल्वेशन। सुना है कभी वर्ड सॉल्वेशन? वाटर के मॉलिक्यूल्स जब किसी भी सॉल्यूट को उसके एनायन और कैटायन को पूरी तरह से घेर लेंगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। इसको हाइड्रेशन प्रोसेस भी बहुत लोग बोलते हैं, सुना होगा हाइड्रेशन वर्ड तो, ठीक है, ये समझा कि नहीं? इसका मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि कोई ऐसा सॉल्वेंट, ठीक है, जो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करने की टेंडेंसी रखता हो, उसी को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, समझा? कोई ऐसा सॉल्वेंट जो कैटायन और एनायन को सॉल्वेट कर सके, सॉल्वेट मतलब उसको चारों तरफ से सराउंड कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चाहिए तो डेफिनेशन लिख सकते हो तुम, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड ठीक है, जिसमें तुमको आयन डाइपोल देखने को मिलेगा। पहली चीज तो ये भी तुमको ध्यान में रखनी है, ये जो पोलर प्रोटिक है, ठीक है, राइट, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए हमेशा, 0 की नॉन जीरो, 0 की नॉन जीरो, नॉन जीरो, ठीक है। और ये जो पोलर अप्रोटिक होते हैं ना,
ये क्या करते हैं मालूम है, इनका सिस्टम ही कुछ अलग होता है। ये लोग सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करते हैं। मैं एक दो एग्जांपल अभी तुमको शो करूंगा तो तुमको समझ में आएगा ऐसा क्यों। तो तुम पोलर एप्रोटिक को लिख सकते हो विच कैन सॉल्वेट ओनली कैटायन बट नॉट एनायन आर कॉल्ड पोलर अप्रोटिक। ठीक है, ये खाली एनायन को या दोनों में से किसी एक को सॉल्वेट करेंगे, एक को छोड़ देंगे, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे पोलर अप्रोटिक। देखो कैसे, ठीक है, वो NaCl वाला वो पोलर प्रोटिक का था। पोलर अप्रोटिक देखो क्या होते हैं, ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है एक रिएक्शन में जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस में? वुड सिंथेसिस पढ़ा था ना कुछ, अभी लास्ट लेक्चर में शायद हुआ था, ये उसके पीछे हुआ था। वहां पे हम लोग ईथर यूज करते हैं। ईथर में क्या होता है, देखो ये जो सॉल्वेंट होता है ये कुछ ऐसे दिखता है तुमको। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से मान लो यहाँ पे जो कार्बन अटैच है, ठीक है, इस पे क्या होंगे, तीन तीन हाइड्रोजन होंगे, राइट। तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है बट इन कार्बन पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। नहीं यार, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब सुनो इसकी कहानी, अगर ईथर में मैं NaCl डाल दूंगा ना तो देखो वापस से एनायन बनेगा ऐसे, और यहाँ पे Cl माइनस का कैटायन बनेगा। तो ईथर क्या करता है मालूम है, यहाँ से ये अटैक तो कर देता है, ऑक्सीजन खाली पड़ा है तो ऑक्सीजन यहाँ से अट्रैक्शन बनाता है ऐसे, और जो वाटर काम कर रहा था वो ये भी वही काम करेगा ऐसे। ठीक है, तो केटायन तो सॉल्वेट हो जाता है इससे बट ये एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है। पूछो क्यों? क्यों सर? इसलिए सर क्योंकि जब ऑक्सीजन यहाँ पे, अब नेगेटिव चार्ज से ऑक्सीजन तो दूर भाग जाता है, अब पॉजिटिव चार्ज वाले कौन बचे, कार्बन बचे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है ऐसे। ये कार्बन आना तो चाहता है इससे अट्रैक्शन करने के लिए, लेकिन ये जो बीच में हाइड्रोजन पड़ जाते हैं ना ये इसको रोक देते हैं, तो ये इसको सॉल्वेट कर ही नहीं पाता है ना इनको, मतलब इनके बीच में तुमको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। क्यों? ये जो बाहर वाले हैं ये क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को इससे अट्रैक्शन करने से रोकते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि सर हाइड्रोजन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और मैं हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज डाल दूं तो इन दोनों में बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। हाइड्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव आता है और ये इससे क्या करने लगते हैं, रिपल्शन करने लगते हैं, जिससे ये इससे कार्बन तो चाहता है अट्रैक्शन करना बट ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन इसको रिपेल करते हैं और दूर भागते हैं। तो जिसके वजह से Cl माइनस जो एनायन बना है वो सॉल्वेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं पोलर अप्रोटिक। समझा कि नहीं बताओ? तो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट तुमको दिखे जिसके साइड साइड पे बल्की ग्रुप हैं वो उसको सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, एनायन को नहीं सॉल्वेट कर पाएगा, सीधी सी बात है। और एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा तो उसको मैं पोलर प्रोटिक बोल ही नहीं सकता, क्या बोल दूंगा, पोलर अप्रोटिक। सपोज करो अगर मैं बोलूँ ये मॉलिक्यूल है SO CH3 CH3, ये पोलर प्रोटिक है या अप्रोटिक है, क्या बोलोगे तुम? पोलर क्या, प्रोटिक या अप्रोटिक?
क्या अप्रोटिक होगा? क्यों होगा? क्योंकि इस पे बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैटायन से अट्रैक्शन तो शो करना चाहता है, बट ये सी एस थ्री ग्रुप क्या करेंगे, इससे इसका अट्रैक्शन नहीं होने देंगे। अभी रीजन बताया था पहले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है समझा? जैसे मैं बोल दूं आर ओ एच, आर ओ एच पोलर प्रोटिक की अप्रोटिक, सोचो पोलर प्रोटिक होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो अगर मैं यहाँ पे कैटायन डाल दूं तो कैटायन से ऑक्सीजन आ जाएगा अट्रैक्शन में, और अगर एनायन डाल दूं तो एनायन से हाइड्रोजन बना लेगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक। क्लियर है? ये अगर मैं बोल दूं, मान लो मेरे पास ये कोई सॉल्वेंट है, ऐसे ऐसे इसको क्या बोलोगे, पोलर प्रोटिक या अप्रोटिक? ठीक है, ए प्रोटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो कैटायन से अट्रैक्शन शो करेगा, बट यहाँ पे जो कार पार्शली ये है, ठीक है, ये तो दूरी भागेगा, इसके पास बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ये तो कैटायन के नजदीक ही नहीं जा पा रहा है इन दोनों की वजह से, ठीक है, तो अप्रोटिक होगा। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। जैसे अगर मैं बोलूँ पोलर प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक देखो क्या है, जैसे मैं बोलूँ ओ एच है, तो सीधी सी बात है ये ऑक्सीजन भी करेगा हाइड्रोजन भी करेगा। एन एच है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी है। एच एफ है, एच एफ कर सकता है क्या, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, सीधी सी बात है करेगा। वाटर कर सकता है क्या, ये तो हम लोग ने देखा ही अभी, वाटर हो गया। फिर आर ओ एच कर सकता है, देखा हमने, ये कर सकता है क्या? मान लो ऐसा कोई सब्सटेंस बना दूं, क्या लगता है तुम लोग को, पोलर प्रोटिक है क्या? है ना, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो ये कैटायन से बना लेगा, और ये ये कैटायन से बना लेगा, ये एनायन से, तो ये भी पोलर प्रोटिक है। देख के समझ में आएगा ना? और उसमें से भी ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये स्ट्रांग होते हैं काफी, क्योंकि इनकी पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, पूरा का पूरा, ठीक है? पोलर अप्रोटिक की अगर हम लोग बात करें तो देखो, ठीक है, जैसे ये है, देख के ही समझ में आ जाएगा तुमको, ये पोलर अप्रोटिक होंगे, ठीक है? इसका नाम है DMSO, जानते हो क्या होता है ये, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, ऐसे लिखा होगा DMSO। दूसरा तुम बोल सकते हो जैसे ईथर का एग्जाम्पल मैंने दिया था तुम लोग को, ठीक है, कोई भी ईथर हो, पोलर अप्रोटिक होगा। तीसरा क्या बोल सकते हो, एक होता है DMF, DMF जो होता है इसको अपन बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये कुछ ऐसे दिखता है, थ्री डबल बॉन्ड हो, एन सी एस थ्री सी एस थ्री, फॉर्मल वर्ड आया ना, तो यहाँ पे खाली एच होगा, तो तुमको देख के लगेगा कि सर ये हाइड्रोजन तो बना सकता, बट ऐसा नहीं है। देखो, जब इस पे पार्शियली नेगेटिव आएगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, ये तो अंदर चला गया, अब इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव,
समझा? अगर H प्लस होता तो बॉन्ड बना सकता था ना, अगर ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता तो कर सकता था ही। चौथा एक होता ही है, ये तो देख के ही पता चल रहा है नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। डाइमिथाइल एसिट अमाइड, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, ऐसे ध्यान में रखो उनको। एक और स्ट्रक्चर है, लिख लो इसको फिर देखते। HMPA, इसको अपन बोलते हैं हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड। फॉस्फोरामाइड, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा है ऐसे। यहाँ पे सब ऐसे मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, वही केस है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज के टाइम तक जानना तो चाहता है, बट ये ग्रुप इसको जाने नहीं देंगे।